जहां पूरे मुल्क में विश्व हिंदू परिषद और दूसरी जमातों ने जमीन वापस दिए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे और तोड़फोड़ की है, वहीं वादी में रवायती भाईचारे की मिसाल जिंदा रही और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक ने बालथल जाकर न सिर्फ वहां यात्रियों से उनका हाल पूछा बल्कि यात्रियों में रिलीफ का सामान भी तकसीम किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कुछ अनासर रियासत की मजहबी रवादारी को तबाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वादी के साथ साथ जम्मू के बाशिंदे इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 1860 से लेकर अब तक ये जो अमरनाथ गुफा है इसको मुसलमानों ने दरियाफत किया, वहाँ कोई हिंदू नहीं रहता था, इस पूरे इलाके में उन्होंने इसको दरियाफत किया, आज तक वही इसकी रखवाली करते आए। यहाँ यात्रियों को किसी पुलिस वाले या फोर्स के हिफाजत की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी हिफाजत के लिए कश्मीर का हर मुसलमान खड़ा। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले दानिश्वर सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मेरी यही गुजारिश है कि जिस तरीके से इस मसले को फिरका वाराना रंगत देने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की एक कोशिश हो रही है, वो इस वक्त आगे आए और इन कोशिशों को नाकाम करें।